मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया हम लोगों ने कि हम लोगों ने यहाँ पर आने का डिसीजन लिया, क्योंकि यहाँ पर इतने हमारे जानने पहचानने वाले, इतने दोस्त हमको मिले, तो और इफ्तार की पार्टी एक अच्छा मौका होता है सबसे मिलने जुलने का, तो अच्छा लगा यहाँ पर आके। कितना एंजॉय किया आप दोनों ने? बहुत अच्छा लगा, कुछ पुराने दोस्त मिले और कुछ ऐसे दोस्त मिले जिनको काफ़ी समय बाद मिले हैं, तो डेफिनेटली यहाँ आना और अपने पुराने और नए दोस्तों से भी मिलना बहुत अच्छा लगा। एंड इफ्तार एक ऐसा है कि आप जहाँ आए तो खूब सारी दुआएं भी मिलती हैं, क्योंकि सब एक साथ खाना खाते हैं और अपना रोज़ा खोलते हैं। नच बलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। आई एम सॉरी मेरा गला गया हुआ है, बैंड बजी हुई है गले की, लेकिन नच बलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हम लोगों को बहुत मज़ा आया वहाँ पर लव चैलेंजेस करके, अंदर नच बलिए के घर में रह के वहाँ पर रिहर्सल्स की, इन सब लोगों के साथ रहे, तो एक ऐसा पहला सीज़न था जहाँ पर ये नए कॉन्सेप्ट के साथ आए थे नच बलिए को लेकर, और वो कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से बहुत सक्सेसफुल रहा है और हम दोनों के लिए और बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा क्योंकि हम दोनों ने साथ में एक ऐसी जर्नी की है जहाँ पर डांस मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट इनके लिए बहुत सारी मेहनत थी, बट ये समय कैसे और किस तरह बीत गया कुछ समझ नहीं आया। ऑल द बिग बैनर्स आर वेटिंग टू साइन अस। थैंक यू। सिंगल सिंगल बाइक ले लो, हो गया। देख भी जल्दी लो सर, वेट सर वेट। ये मैं सच बताऊं तो मेरी पहली इफ्तार पार्टी है मेरी लाइफ में, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे पता ही नहीं था कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन जब रोज़ा खुला और सबने खाया एक साथ खाया, और मैं मेरे टेबल पे बहुत अलग अलग लोग थे जिन्हें मैं पहली बार मिल रहा हूँ, इट वाज रियली नाइस, फेल्ट लाइक अ फैमिली, तो बहुत अच्छा मज़ा आया। जी जी, आई थिंक एन्जॉयमेंट भी है, गेट टुगेदर भी है, और एक मतलब एक थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि रमज़ान का मतलब महीना है और फेस्टिवल है, तो एक वो थोड़ा सा एक अच्छा फीलिंग, होली फीलिंग, स्पिरिचुअल फीलिंग भी है जो जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो एक महीने के लिए फास्टिंग करते हैं और यू नो मन्नत मांगते हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड फीलिंग, तो जब साथ में बैठ के रोज़ा खुलता है और हम खाते हैं तो एक अच्छा फीलिंग है, मतलब सब साथ में खा रहे हैं, इट्स नाइस। और एक पिक्चर लिख रहा हूँ मैं, होपफुली डायरेक्टिंग, सो लेट्स सी। थैंक यू। बहुत अच्छी थी इफ्तार पार्टी, बहुत मज़ा आया, बहुत फ्रेंड्स मिले इंडस्ट्री के, तो आई एम ग्लैड आई केम, मज़ा आया, अच्छा खाना था और फालूदा माशाल्लाह। सर एक चीज़ बोलोगे, मेरे को भी आर्टिस्ट लोग इफ्तार पार्टी के बारे में क्या कहूँ, देखिए बहुत ही पाक चीज़ है और बड़ी प्यारी चीज़ है, और ये सब हिंदुस्तान में होता है जहाँ पर हर धर्म के हर मज़हब के लोग जो है वो आते हैं और एक साथ जो है वो रोज़ा खोलते हैं, इफ्तार पार्टी का हिस्सा बनते हैं। मैं खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे इस काबिल इन लोगों ने समझा और यहाँ पर जो है वो निमंत्रण भेजा, और मैं अपने ख़ास दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ यहाँ पर शरीक हुआ, बड़ा मज़ा आया, अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिले, खजूर खाने को मिला, मिठाइयाँ खाने को मिली, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो दबा के नॉनवेज खा रहे हैं, और जिनको वेजिटेरियन पसंद है वो वेज खा रहे हैं, तो ये एक जो है वो मेरे ख्याल से एकता की मिसाल है। इसी से पता चल जाता है कि हम हर एक धर्म की जो है वो इज़्ज़त करते हैं और हर किसी का हम बहुत ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, यही हमारे इफ्तार का जो है वो मेरे ख्याल से मेन मुद्दा था कि जो है वो किसी भी मज़हब को ठेस ना पहुँचाएँ और हर धर्म को इज़्ज़त दें और प्यार से और एकता बना करके जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ें। बिल्कुल, पॉलिटिकल मिलना भी हो जाता है, गेट टुगेदर पार्टी भी हो जाती है, और
सारे जो है वो मेरे ख्याल से सहयोगी कलाकार जो होते हैं, को एक्टर्स जो होते हैं, वो सब आते हैं और एक साथ मिलने का मौका मिलता है, सब लोग साथ में उठते बैठते हैं। ऐसे क्या वो जो भी एक्टर्स होते हैं सबके पास टाइम नहीं होता है, तो हर एक्टर जो है वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, तो अब आपको एक एक मौका मिल गया कि सब लोग आ गए और सबके साथ मिलना बैठना हो गया, बातचीत हो गई, खाना पीना हो गया थोड़ा सा, तो वो अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव सोच है और इस तरह की सोच को जो है वो जागृत करने की कोशिश जो है वो मेरे ख्याल से हर पब्लिक फिगर, हर एक्टर, हर सेलिब्रिटी को करनी चाहिए। वैसी एक छोटी सी कोशिश मैंने भी करी है यहाँ पर आ करके। धन्यवाद। वेल आई थिंक मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करण के लिए आया हूँ, आंटी जी के लिए आया हूँ, एंड करण बींग अ ग्रेट फ्रेंड, तो आई थिंक उसने बहुत मेहनत की, पिछले कई दिनों से बेचारा मेहनत किया जा रहा है सबको बुलाने के लिए, एंड ही इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस। और इफ्तारी का मज़ा ही कुछ और होता है यार, आप ईद नज़दीक है और आप पूरे दिन का आप रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने के बाद आप इन इवनिंग भर पेट जो खाना खाते हो, यहाँ पर जो टेस्टी खाना बनता है वो खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है, वो फलूदे का मज़ा कुछ और है। तो आई थिंक वो सिर्फ बस वो खाना खाने भी नहीं आया था मैं इनके पास, एंड दैट्स अबाउट इट। वेल अभी फिलहाल नचबलिए है हमारा, नचबलिए ख़त्म होने वाले कुछ ही समय में, 19th को उसका फिनाले है। उसके अलावा मेरा दूसरा शो ये है आशिकी ऑन बिंदास, वो मैं एंकर कर रहा हूँ। उसके बाद भी एक और कोई प्रोजेक्ट है जो आ रहा है, जिसके बारे में आपको बहुत जल्दी बताऊँगा।